हेलो मेरे प्यारे छात्रों, आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में। मैं आरके वर्मा, एमडी ऑफ मैथमेटिक्स ओरिजिन। आप लिमिट्स के बारे में पढ़ चुके हैं। लिमिट्स से जुड़ा हुआ क्वेश्चन जो कंपटीशन में आता है उसको हम लोगों ने अभी तक नहीं देखा है। तो आज मैं एक एमसीए इंट्रेंस का एग्जामिनेशन है निमसेट, जिसके थ्रू एनआईटीज में आपको एडमिशन होता है। उस निमसेट में जो लिमिट्स टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया है उसका मैं ईयर वाइज सॉल्यूशन कर दे रहा हूँ। आप लोग इसे समझने का कोशिश करिए, अपना पेन पेपर लेकर के तैयार हो जाइए, एक पढ़ने की मुद्रा में बैठ करके, ये नहीं कि किसी भी पोज में बैठ करके टाइम को वेस्ट कर लिए, ऐसा काम नहीं करना है। तो हमें आशा है कि आप लोग अपने पोजिशन में आ गए होंगे। बिना टाइम को वेस्ट किए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। जैसा कि आप देख रहे हैं, एक निमसेट के ईयर 2019 में जो इसी साल एग्जामिनेशन, मतलब पिछले साल जो एग्जाम हुआ था, आपको इसी सब समय में एग्जामिनेशन में मई में एग्जामिनेशन होता है इसका। इस बार तो चूंकि थोड़ा सा डिले हो सकता है, मे बी जाए कोरोना के कारण, देख लीजिए फिर कैसे क्या होता है। उसमें ये क्वेश्चन आपको लिमिट से आया था कि इसका वैल्यू क्या होगा। चार ऑप्शन आपको नीचे दिया हुआ। सबसे पहला काम है आपको इसका फॉर्म चेक कर लेना कि क्या फॉर्म होगा। फॉर्म अगर चेकिंग करें आप 3 अगर डालेंगे यहां पे तो 9 का स्क्वायर रूट होगा 3, तो 3 माइनस 3 ऊपर में 3 यहां डालेंगे 6 में से 4 घटेगा होगा √2 होगा, यानी 0/0 फॉर्म ये आ गया। 0/0 फॉर्म है। आपको ध्यान होगा कि एक फॉर्म बताए थे अनडिफाइंड फॉर्म, जिसको हम लोग अनडिटरमिनेट फॉर्म भी बोलते हैं। इसका निर्धारण हम लोग जनरली नहीं कर पाते हैं, इसे हम लोग लिमिट्स के रूल से बनाते हैं। उसमें एक रूल बताए थे कि रूट के बीच में अगर माइनस हो, यहां रूट नहीं है लेकिन आप समझ सकते कि √9, क्योंकि उसका स्क्वायर रूट निकल रहा है इसलिए आपको लिखा हुआ। तो रूट के साथ अगर माइनस हो तो क्या करते हैं, कंजुगेट लेते हैं। तो कंजुगेट अगर लेंगे तो मान लीजिए इसका कंजुगेट बगल में लिए, तो इसका जब कंजुगेट बगल में लेंगे तो क्या होगा, a - b a + b, ए स्क्वायर तो यहां से रूट हट जाएगा, -b² तो 3 का स्क्वायर 9 होगा। लेकिन इसका कंजुगेट जो है वो नीचे आएगा, √3x + 3 जो है वो नीचे तो लिखाएगा, ऊपर तो फॉर्मूला लग गया, नीचे लिखेंगे। फिर इसका जो कंजुगेट नीचे आएगा यहां प्लस के साथ, तो a + b a - b होगा, a² इसका रूट हट जाएगा 2x - 4, -b² तो √2 का स्क्वायर होगा 2। लेकिन इसका जो कंजुगेट पार्ट है कि √2x - 4 + √2, ये तो ऊपर जाएगा। अगर आप इसको थोड़ा सा सॉल्व करें आगे, तो ये आपको होगा लिमिट x टेंड्स टू 3। अगर इसमें से 3 कॉमन लेते हैं तो ये आपको x - 3 होगा, और बगल में ये 2x - 4 + √2 है। ये नीचे आइए, ये देखिए -4 - 2 - 6, और यहां 2 है, तो 2 अगर कॉमन लेते हैं तो यहां भी x - 3 बचेगा, और बगल में ये √3x + 3 तो आपको है ही, ये वाला टर्म, तो ये x - 3 आपका कैंसिल हो जाएगा। अब अगर बाकी में आप 3 डालेंगे, ये तो 3 पीछे है ही, यहां डालेंगे 6 - 2 6 - 4 √2, अब बगल में √2, तो ये 2√2 हुआ। नीचे आपको ये 2 है ही, 3 यहां पर डालेंगे 9 का रूट हो जाएगा 3 + 3, ये 6 हो गया, तो ये 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा, और ये 3 से ये कैंसिल हो जाएगा, तो कितना हो गया, ये √2/2, तो √2 से भी कैंसिल होगा, तो ये 1/√2 जो है आपको हो जाएगा, और 1/√2 इसके डी में है इसलिए इसका आंसर जो होगा आपको ये डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहां पे बोर्ड पे है, ये निमसेट 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है कि आपको ये एक लिमिट्स दिया हुआ है कि ये ई स्क्वायर के इक्वल है। आपको बोल रहा है ए बी का वैल्यू क्या होगा, नीचे 4 ऑप्शन आपको दिया हुआ।
सबसे पहला काम फॉर्म चेक करना। अगर इसका फॉर्म आप चेक करें तो फॉर्म चेकिंग के लिए हम लोग क्या करते हैं, इन्फिनिटी का वैल्यू यहां डालेंगे, इन्फिनिटी से किसी में भी डिवाइड करें जीरो, यहां डिवाइड इन्फिनिटी का स्क्वायर इन्फिनिटी होगा, डिवाइड करेंगे ये जीरो होगा, तो यहां पर वन प्लस जीरो ये आपको वन होगा, और यहां पर इन्फिनिटी, इन्फिनिटी में किसी भी फाइनाइट संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे आपको वो इन्फिनिटी ही होगा, ये वन पे पावर इन्फिनिटी फॉर्म हो गया। और वन पे पावर इन्फिनिटी फॉर्म आपको बताए थे ये सात फॉर्म में से एक फॉर्म होता है, और इसको बनाने का रूल क्या होता है अगर याद हो आपको, क्या बताए थे याद है, इसके बारे में बताए थे कि ई पे पावर, पावर में जो है उसको लिखते हैं पहले, और बेस में जो होता है उसमें से एक घटाते हैं, ई पे पावर, पावर में जो है उसको पहले लिखते हैं, बेस वाले में से एक घटाते हैं, ये टर्म आपको ई स्क्वायर के इक्वल है, ये क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, ये और ये आपको कैंसिल आउट होगा, अगर इस एक्स को हम अंदर मल्टीप्लाई करें तो ये क्या देगा आपको, सो देखिए, लिमिट एक्सटेंड्स टू इन्फिनिटी ई पे पावर टू इंटू, इस एक्स से अगर मल्टीप्लाई करेंगे यहां कैंसिल होगा तो यहां ए बचेगा, बगल में यहां अगर मल्टीप्लाई करें तो यहां आपको बी बाई एक्स बचेगा, इधर आपको ई स्क्वायर तो है ही। अब अगर इसका लिमिट्स आप लेते हैं एक्स टेंस करा इन्फिनिटी के तरफ तो ये टर्म हट जाएगा, आपको बचेगा टू ए, यानी ई पे पावर टू ए जो है वो ई स्क्वायर के बराबर हुआ, देखिए बेस सेम है तो पावर इक्वल होगा, यानी 2a का वैल्यू 2 होगा तो a का वैल्यू 1 हो गया, a का वैल्यू 1 हो गया, a का वैल्यू 1 जो है वो b में भी है और d में भी है, लेकिन b is equal to 2 और b belongs to r, यहां पर दो ऑप्शन आपको आ रहा है। तो अगर हम देखें b के बारे में तो यहां पर b by x है, अब b का वैल्यू कुछ भी आप दें, मान लीजिए 1 दे दें, 2 दे, 3 दे, 4 दे, 5 दे, चूंकि इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है x, इसीलिए ऊपर में कुछ भी रखा जाए फाइनाइट में वो इसको क्या करेगा, ये इन्फिनिटी उसको जीरो कर देगा, तो 2 अगर डालते हैं यहां पर तो 2 बाई इन्फिनिटी भी क्या होगा, जीरो हो जाएगा, तो सही ये भी है, डी भी सही है, लेकिन आपको देखना है कि एक्यूरेट में मोर एक्यूरेट कौन है, 2 का मतलब हो गया कि केवल 2 के लिए ही सही है, अगर मान लीजिए यहां पर ये बी बिलोंग्स टू आर के जगह पर कुछ दूसरा टर्म रहता है या फिर ये नहीं रहता उस कंडीशन में, तब ये डी ऑप्शन सही हो जाता, लेकिन आपको यहां देखना है कि बी का मोस्ट प्रोबेबल क्या कंडीशन हो सकता है, बी के जगह पर क्या क्या हो सकता है, तो बी के जगह पर रियल नंबर का कोई भी संख्या अगर डालें तो ये एक्स चूंकि इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है ये इन्फिनिटी इसको जीरो कर देगा, इसलिए करेक्ट ये भी है, करेक्ट ये भी है, लेकिन ये मोर करेक्ट होता है, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे एग्जामिनेशन वगैरह सब में, जो चारों ऑप्शंस में जो मोर एक्यूरेट होता है उसी को तरजीह देना है और उसी को आंसर में हमें टिक भी करना है, इसीलिए यहाँ बी भी सही है, डी भी सही है, बी मोर एक्यूरेट है, इसलिए इसका जो आंसर होगा वो बी हमें टिक करना है। अगला क्वेश्चन अगर देखें, ये निमसिट 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है, ये आपको इसके बारे में पूछ रहा है इसका वैल्यू क्या होगा, नीचे चार ऑप्शन दिया हुआ है, आप अगर गौर से देखें फॉर्म, अगर इसका आप चेक करें तो फॉर्म चेक करेंगे तो ये जीरो बाय जीरो फॉर्म आएगा ही, तो जीरो बाय जीरो फॉर्म अगर आता है तो ट्रिगोनोमेट्री है, देखेंगे ट्रिगो का कोई रूल लग रहा है कि नहीं लग रहा है, अगर आपको गौर से मतलब इस क्वेश्चन को अगर आप गौर से देखें और फॉर्मूला अगर ध्यान करें कि वन माइनस एक्स है नीचे में, वन माइनस एक्स के नीचे में अगर एक्स स्क्वायर हो तो क्वेश्चन बनाना आसान होता है, तो कोशिश ये करना है कि वन माइनस कॉस एक्स के नीचे में एक्स स्क्वायर से डिवाइड करना है, और सेम यही एक्स स्क्वायर क्या करना है एक्स टेन एक्स में भी हमें डिवाइड करना है, ऊपर में भी डिवाइड कर दिए नीचे भी डिवाइड कर दिए कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ये टू और ये टू कैंसिल आउट होगा, टेन एक्स बाई एक्स टेन थीटा बाई थीटा वन होता है, और ये क्या है फॉर्मूला है एक्स में कितना से मल्टीप्लाई है वन से, तो वन स्क्वायर बाई टू आपको इसका आंसर होगा, ये 2 जब ऊपर जाएगा ये 2 हो जाएगा, एक तरह से ये इजी क्वेश्चन था, इसके आंसर को आपको डी टिक करना। अगला क्वेश्चन अगर देखें उसी साल 2017 में आपको दो क्वेश्चन आया था लिमिट्स पे, अगला क्वेश्चन यहां पे है
कि लेट एफ एक्स बी ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 4 हैविंग एक्सट्रीम वैल्यू एट एक्स इज इक्वल टू 1 एक्स इज इक्वल टू 2। आपको दिया हुआ है एफ एक्स एक पॉलिनोमियल है 4 डिग्री का, एफ एक्स पॉलिनोमियल है 4 डिग्री का, तो लेट कर लेते हैं कि एफ एक्स जो है ए एक्स पे पावर 4 बी एक्स क्यूब प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस ई होगा। मतलब एक स्टैंडर्ड फॉर्म लिखने का जो तरीका होता है पॉलिनोमियल का वो इस तरीका का होता है, लेकिन यहाँ पे क्या ये लिमिट्स में जो आप अगर फॉर्म देखें एफ एक्स में क्या है एक्स स्क्वायर से डिवाइड, तब लिमिट्स आप लिए हैं। आप इन द सेंस देखिए कि सब में एक्स स्क्वायर से डिवाइड करिएगा, इसमें भी इसमें भी इसमें भी इसमें भी इसमें भी सब में डिवाइड करना, मान लीजिए इसमें डिवाइड करेंगे एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर ऊपर बचेगा, इसमें डिवाइड करेंगे ऊपर एक्स बचेगा, इसमें डिवाइड करेंगे कैंसिल हो जाएगा, इस दोनों में जब आप डिवाइड करिएगा एक्स स्क्वायर से तो वो क्या होगा एक्स स्क्वायर नीचे आ जाएगा, हर में आ जाएगा डिनोमिनेटर में, और वो एक्स कहाँ जा रहा है जीरो के तरफ जा रहा है, तो ये दोनों टर्म क्या करेगा आपको अनडिफाइंड कर देगा क्योंकि नीचे में एक्स है, इसीलिए यहाँ पे इस क्वेश्चन में अगर इस तरह का क्वेश्चन दिया हुआ और यहाँ एक्स स्क्वायर दिया हुआ है तो इस दोनों टर्म को नहीं लिखने में ही भलाई है। अगर यहाँ एक्स क्यूब रहता, मान लेते हैं यहाँ एक्स क्यूब रहता तो इस टर्म को नहीं इसको भी नहीं लिखते, ये दोनों तो नहीं लिखेंगे लेकिन इसको भी नहीं लिखेंगे क्योंकि एक्स स्क्वायर में एक्स क्यूब से डिवाइड करिएगा नीचे एक्स बचेगा, इसीलिए इस टर्म को देखते हुए हमें ये देखना है कि इस पॉलिनोमियल में कितना टर्म लें कि हमें फायदा होगा, कम हमें एफर्ट लगाना पड़ेगा, इसलिए इस दोनों टर्म को हम छोड़ रहे हैं, ये दोनों टर्म समझिए आपके हाथ से निकल गया। अब अगर इस एफ एक्स को आप इसमें डालते हैं तो लिमिट्स कैसे निकालेंगे सो देखिए, लिमिट एक्सटेंड्स टू जीरो 1 प्लस एफ एक्स में इससे डिवाइड करेंगे, इसमें समझिए डिवाइड कर रहे हैं इससे, तो ये आपको होगा ए एक्स पे पावर 4 बी एक्स क्यूब सी एक्स स्क्वायर, इसमें आपको क्या करना है एक्स स्क्वायर से डिवाइड करना है। अगर सब में डिवाइड करें इसका लिमिट्स आपको 3 दिया हुआ है तो ये आपको कितना हो जाएगा, लिमिट एक्सटेंड्स टू जीरो 1 प्लस ए एक्स स्क्वायर बी एक्स और यहाँ सी बचेगा, इससे इसमें डिवाइड करेंगे एक्स स्क्वायर बचेगा, यहाँ डिवाइड करेंगे एक्स बचेगा, इसमें करेंगे आपको कैंसिल हो जाएगा, ये 3 है। अब अगर लिमिट्स ले रहे हैं जीरो तो ये दोनों आपको जीरो होगा, इसका लिमिट्स हो जाएगा 1 प्लस सी इज इक्वल टू 3, यानी सी का वैल्यू निकल गया आपको 2, एक वैल्यू सी का आप निकाल लिए, इसका काम हो गया। पीछे अगर देखिए यहाँ पर ये एक्सट्रीमम वैल्यू है, यानी कि मैक्सिमा एंड मिनिमम हम लोग एक कॉन्सेप्ट पढ़े थे, इसमें ये क्वेश्चन मिक्स है, इसमें लिमिट्स के साथ आपको एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का भी इस्तेमाल किया है। तो एक्सट्रीमम वैल्यू का मतलब होता है कि मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू अगर निकालना हो आपको, कोई फंक्शन अगर मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू देता है तो जिस भी पॉइंट पर वो मिनिमम वैल्यू दे या मैक्सिमम वैल्यू दे उस पॉइंट पर उस फंक्शन के डीसी का मान अवश्य ही जीरो होता है। तो अगर इस फंक्शन का डीसी आप निकाल लें, अगर इसका एफ डैश एक्स निकालें एफ प्राइम एक्स निकालें तो ये आपको कितना होगा, ये होगा 4 ए एक्स क्यूब, एक्सन का फॉर्मूला, एक्स क्यूब का क्या होगा 3 एक्स स्क्वायर, तो 3 बी एक्स स्क्वायर और बगल में ये हो जाएगा 2 सी एक्स, ये डीसी निकल गया। यहाँ पर जो है एक्सट्रीमम वैल्यू कहाँ पे है 1 पे और 2 पे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यहाँ पर एफ डैश 1 भी जीरो होगा, एफ डैश 1 अगर जीरो होगा तो 1 अगर इसमें डालें तो यहाँ पर 4 ए, 1 अगर यहाँ डालें तो 3 बी, 1 यहाँ पर डालें 2 सी, तो ये जीरो हो जाएगा। सी का वैल्यू अगर यहाँ से डाल दें आप इसमें तो 4 ए प्लस 3 बी प्लस 4 इज इक्वल टू जीरो होगा, यानी कि 4 ए प्लस 3 बी इज इक्वल टू माइनस 4, ये पहला इक्वेशन हो गया। फिर लिखेंगे एंड एफ डैश 2 एफ प्राइम 2 भी जीरो होगा क्योंकि 2 पर भी तो वो हो रहा है, तो ये भी आपको डालना है इसमें, तो कितना होगा 2 क्यूब, तो 8 और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 32 ए, इसमें डालेंगे कितना होगा 12 हो जाएगा, 12 बी इसमें डालेंगे कितना होगा, ये हो जाएगा आपको 4 सी हो जाएगा जो कि जीरो होगा, इसमें भी सी का वैल्यू डाल दीजिए, तो 32 ए प्लस 12 बी इज इक्वल टू सी का मान अगर डालें 2 तो 8 होगा जो कि माइनस 8 हो जाएगा,
ये होगी आपको दूसरा। अब इस फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करके हमें ए बी का मान निकालना है, निकाल सकते हैं। फ्रॉम फर्स्ट, फर्स्ट में क्या कर रहे हैं, फर्स्ट में चार से मल्टीप्लाई करके माइनस कर रहे हैं सेकंड को, इससे क्या होगा, चार से मल्टीप्लाई करेंगे इसमें तो 12 और ये 12 आपको ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, इसमें कितना हो जाएगा, ये होगा 16a माइनस 32a, नीचे से 4 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 16 माइनस नीचे का टर्म आ जाएगा माइनस 8, तो ये कितना हो गया माइनस 16a इज इक्वल टू, ये माइनस माइनस प्लस हो गया तो ये आपको हो गया माइनस 8, तो ए कितना हो जाएगा, अगर इससे डिवाइड करें तो ये हो जाएगा हाफ। अब ए भी निकल गया, तो ए अगर निकल गया तो ए का वैल्यू किसी में डाल लीजिए, डाल लीजिए फर्स्ट में ही, अगर फ्रॉम फर्स्ट करें ए का वैल्यू हाफ डालेंगे इसमें तो कितना हो जाएगा, ये 2 प्लस 3b इज इक्वल टू माइनस 4, तो 3b कितना हो जाएगा माइनस 6, तो b का वैल्यू हो जाएगा माइनस 2। अब ए भी निकल गया, बी भी निकल गया और सी भी निकल गया, तो सबका मान आपको फंक्शन में डाल देना है, फंक्शन जो माने थे fx अगर निकालेंगे, fx क्या माने थे ax टू दी पावर 4, a का वैल्यू है हाफ तो 1/2x^4, bx क्यूब तो b कितना है -2x³, cx² c का वैल्यू 2 था तो 2x² हो गया, बाकी तब तो था नहीं, ये आपको fx निकला। अब आपको पूछ क्या रहा है f2 का वैल्यू क्या होगा, अब अगर इसमें f2 अगर 2 डालेंगे आप तो 1/2 2^4 16 होगा, 2³ तो 8 होगा, 2² तो 4 होगा, तो ये कितना हो गया 8, ये हो गया आपको 16 और ये भी हो गया 8, तो 8 माइनस 8 16 माइनस 16 क्या हो जाएगा 0, तो 0 वैल्यू यहाँ किसका है, 0 वैल्यू यहाँ पर a का है, इसलिए इसका जो आंसर होगा वो a को टिक करना। अगला क्वेश्चन अगर देखें यहाँ पे, ये 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है निम्न सेट में, आपको ये क्वेश्चन दिया गया और बोल रहा है ये किसके बराबर होगा, आप देख पा रहे होंगे अगर ए का वैल्यू डालेंगे ये 0/0 फॉर्म जाएगा, 0/0 फॉर्म जाएगा, और देख रहे हैं यहाँ पर रूट के बीच में माइनस डाल दिया, यानी कंजुगेट तो लेना ही पड़ेगा। अगर इसके सॉल्यूशन पार्ट को हम देखें तो ये आपको लिमिट x टेंड्स टू a है, इसका कंजुगेट पार्ट प्लस डाल करके ऊपर नीचे करेंगे, आपको डायरेक्ट करना है एग्जामिनेशन वगैरह में, आपको डायरेक्ट ही चलना पड़ेगा, तो समझिए a प्लस b a माइनस b हुआ तो a² यानी a प्लस 2x माइनस b² तो यहां 3x होगा, इसका जो कंजुगेट पार्ट है वो नीचे आएगा a प्लस 2x प्लस √3x, वैसे ही इसके कंजुगेट पार्ट से भी ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है तो यहां फॉर्मूला क्या लगेगा a² तो 3a प्लस x माइनस b² तो इसका स्क्वायर होगा तो ये आपको हो जाएगा 4x, और इसका जो कंजुगेट पार्ट है ये आपको ऊपर जाएगा 3a प्लस x प्लस 2√x, इस तरीका से मतलब इसका प्लस डाल करके इसको ऊपर लिखे, इसको प्लस डाल करके इसको नीचे लिखे और यहां लगा दिए फॉर्मूला a प्लस ba माइनस b का, a² माइनस b² दोनों रूट हट गया, यहां भी लगा दिए फॉर्मूला a² माइनस b² इसका भी रूट हट गया। आगे अगर स्टेप्स इसको हम बढ़ाएं तो ये आपको कितना हो जाएगा a 2x माइनस 3x तो माइनस x होगा, बगल में ये कितना होगा ये 3a प्लस x है, 2√x बगल में है ही, नीचे आते हैं यहां पर कितना होगा 3a और ये x माइनस 4x तो माइनस 3x हो गया, और बगल का टर्म जो आप देख रहे हैं a प्लस 2x अब प्लस √3x तो ये तो रहेगा ही, यहां पर देखिए आपको 3 कॉमन आ रहा है, अगर यहां से 3 कॉमन लें ऊपर में ये a माइनस x है ही, और ये आपको बगल का टर्म जो है 3a प्लस x प्लस 2√x ये तो है ही, नीचे से अगर 3 कॉमन लेते हैं तो a माइनस x और बगल का ये जो टर्म है a प्लस 2x प्लस √3x ये हम रिपीट कर लिए, ये टर्म आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। अब अगर लिमिट्स लें ये तो आगे में 1/3 रहेगा ही, a डालेंगे यहां पर 3a प्लस a 4a, 4a रूट के अंदर है ये आपको हो जाएगा 2√a, बगल में यहां पर डालेंगे ये भी होगा 2√a, नीचे आइए यहां डालेंगे तो 2a प्लस a तो ये हो गया √3a
और यहां पर डालेंगे ये भी होगा रूट थ्री ए, यानी कि वन अपॉन थ्री, ऊपर में ये आपको हो गया फोर रूट ए और नीचे अगर देखें तो ये टू रूट थ्री रूट ए, इसको आप लिख सकते हैं, मतलब सेम ही टर्म दो जगह है, x प्लस एक्स तो 2x, तो ये टर्म ही यहां लिखे हैं लेकिन रूट को अलग कर दिए हैं, ये दिखला रहे हैं कि ये कैंसिल आउट हो गया, ये 2 से भी ये कैंसिल होगा, ये 2 अपॉन 3 रूट 3 हो जाएगा। तो देखिए कहीं है 2 अपॉन 3 रूट 3, 2 अपॉन 3 रूट 3 यहां पे है, डी नंबर, इसका जो आंसर होगा ये आपको हो जाएगा डी।